एंड ओबड़ खाबड़ रास्तों से बचते हुए अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस न्यू ट्रैवलॉग के अंदर। आई होप यू आर ऑल फाइन। तकरीबन दिन के 11 बजे अपना सफ़र शुरू कर दिया है केएल से ताऊबट के लिए। फेस टू फेस आके मैंने भी सलाम इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम अभी काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास, तो इसलिए शूटर राइड करनी है हमने और कोशिश करेंगे कि 2 घंटे के अंदर हम ताऊबट पहुँच जाएँ। ताऊबट जो कि इस खूबसूरत नीलम वैली का आखिरी पॉइंट है। इसकी खूबसूरती के शहर में इतना गुम नहीं हो जाना कि आपको ये याद न रहे कि यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है। आज के दिन का प्लान ये है कि हमने जो डेस्टिनेशन कवर करनी है वो सिर्फ ताऊबट है, उसके अलावा और कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ताऊबट कवर करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे शारदा में, क्योंकि कल के दिन हमने सबसे मुश्किल दिन गुजारना है जिसके लिए हम मेंटली तौर पे रेडी हैं, वो है नूरी टॉप। सबसे पहले फुर्सत में तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ताकि कम से कम गर्मी लगे, क्योंकि ये रास्ते ऐसे ख़राब हैं और ऊपर से गर्मी शदीद लग रही है। मैंने शायद जो अभी रुमाल बांधा हुआ है मुँह पे उसकी वजह से भी मुझे ज़्यादा गर्मी लगेगी। मुझे केल के अंदर एक लोकल बता रहा था कि आगे जाके एक झील आएगी और उसका नाम नीलम है। अगर ये नीलम झील नहीं है देन प्लीज़ करेक्ट मी। ये जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग भी हो रही है, पत्थर काटे जा रहे हैं और ऊपर से पत्थर आ भी रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर आया था मेरी बाइक के सामने, या अल्लाह खैर खैर इससे गुजार दे, आमीन। ऐसे रोड के ऊपर आपको रोड पर भी ध्यान देना है और वक्तन फवक्तन थोड़ा सा ऊपर भी देख लिया करें। यार पानी कितना ब्लू है, ये तो ब्लू भी नहीं, ये आकुआ ग्रीन है, खूबसूरत। काम करते करते इन्हें कम पवा लिया और रास्ता भी रोकता है साढ़ा। एक तो इसने सारा रास्ता रोक दिया, दूसरा इसने यहाँ पे ड्रिल भी ख़राब करवा लिया। बिलीव मी शदीद किस्म की गर्मी है, हेलमेट के अंदर और इस जैकेट के अंदर पक रहा हूँ मैं लिटरली। चलो भाई चलो 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 चलो, फाइनली बाइक चली है और पसीना खुश्क हो रहा है, लेकिन बहुत ही गंदा रोड है यार ये, बड़ा जबरदस्त अस्तबल है, क्या बात है। ये दरिया नीचे और वो इतनी बड़ी आबशार है, आबशार बहुत दूर है, वो आपको बहुत छोटी मामूली सी नज़र आ रही होगी। पहाड़ बहुत स्टीप है, बहुत ऊंचे हैं और बहुत तंग वैली है ये। अभी किसी छोटे से गांव पे आ गए हम लोग अभी, क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। खैर नीचे बच्चे मस्तियां कर रहे हैं, ये इनका एरिया है और ये यहाँ के जेकन शिकरे। मैंने रत्ती गली की है, मैं तो अभी ये भी नहीं कह सकता क्या इससे ज़्यादा भी कोई गंदा रास्ता हो सकता है। इस गंदी चढ़ाई के बाद आगे जाके पहाड़ थोड़ा सा खुल रहे हैं। यार ये इस तरह की अजीब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं कि यहाँ पे तो ये 10 की स्पीड भी नहीं बन रही, स्किन बर्न ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से बात कर ली थी शारदा में कि आज मैं उससे 2 चीज़ें लाजमी पकड़ूंगा, ORS और सनब्लॉक। यार ये इतना फैसिनेट कर रहा है पानी, इतना ज़्यादा, या अल्लाह तेरी कुदरत मेरे मालिक, क्या खूबसूरत रंग है इसका, बहुत आला। अब रोड थोड़ी मट्टी वाली हो गई है, वो जो पत्थर थे वो निकल गए हैं, लेकिन चढ़ाइयाँ ज़रा स्टीप हो गई हैं ज़्यादा। जैसे ही आपने जानवाई क्रॉस करना है आपको ये मेरे पीछे वाला खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। अभी ताऊबट का रास्ता ऑलमोस्ट हमने आधे से ज़्यादा कर लिया है, लेकिन जो गंदा वाला पैच था लोकल्स के मुताबिक वो गंदा वाला पैच हम पीछे तक कर आए हैं। आगे वाला जो पैच है वो निस्बतन पीछे वाले पैच से थोड़ा सा बेहतर है, कदरे बेहतर है। अभी थोड़ी सी ब्रेक हमने ली है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैकेट्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी भी शर्ट मेरी पसीने से भरी हुई है। अभी हल्की हल्की हवा चल रही है तो फ़ायदा ये हो रहा है कि पसीना अंदर से सूख रहा और उसकी जो चस आ रही है ना आला। थोड़ी देर और बैठ के मैं पीछे से व्यू देखूंगा, उसके बाद ताऊबट तो इंशाल्लाह हम लोग जा ही रहे हैं। पूरे 1 बजे हम लोग जानवाई से निकले और उम्मीद है अगले 1 घंटे में यानी 2 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे ताऊबट। बाइक ने थोड़ी स्पीड पकड़ ली है
और अब चलाने का भी मज़ा आ रहा है। 30 का माइल्स तो उन्होंने अचीव कर लिया है, 30 से ऊपर चले गए हम लोग, सही जा रहे हो भाई, खड्डा आ गया वे। अरे हाय 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 हाय, फिर बन गया घोड़ा, तगड़ 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 तगड़। थोड़े थोड़े आसार नज़र आ रहे हैं, जैसे तावट अब ज़्यादा दूर नहीं हमारे करीब, क्योंकि तकरीबन 35 से 40 की एवरेज पे हम लोग आए हैं। अब जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि 35 के 40 की स्पीड मतलब बाइक उड़ाते हुए आए हैं हम लोग। ये है जी सरदारी, सरदारी गांव से हम लोग गुजर रहे हैं और तावट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे ऊपर से आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे पहाड़ ज़्यादा खुल रहे हैं, नज़ारे होंगे इंशाल्लाह। 1 बजे हम अपने लास्ट पॉइंट से निकले थे और 45 मिनट के अंदर हम हिलमत पहुंच गए हैं, और यहाँ हिलमत से हमें तावट के लास्ट पॉइंट तक तकरीबन 30 मिनट तो लगेंगे मैक्सिमम लास्ट पॉइंट तक। हिलमत क्रॉस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत जंगल का छोटा सा एरिया शुरू हुआ, क्या बात है। पानी से ना हाथ में धोने के बाद इस कदर फ्रेश फील कर रहा हूँ कि क्या, जिस कदर ये गंदा ऑफ रोड ट्रैक था, मैंने तो इतनी मट्टी नहीं खाई जितनी मट्टी एम भाई ने खाई हुई पीछे, और तबाही चढ़ रहा है। मज़ा भी आया जब हमने काफ़ी हद तक ये ट्रैक कवर कर लिया था, मोर देन 60%। उसके बाद जब रोड ये थोड़ी फ्लैटन हुई है और मट्टी आई है, तो उसमें बस आपके भाई ने आपने देखा कि घोड़े की तरह उड़ाई है भाई, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी इस टाइम भी बच्चे पीछे नहा रहे हैं, उनका शोर शराबा आ रहा है, इवन बड़े भी नहा रहे हैं, तो ये नहाने का पॉइंट भी है, नहा सकते हैं। इतना ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं है, बस ज़्यादा देर आप बीच में ना रहें, थोड़ी देर बीच में रहें और वापस आ सकते हैं। खैर मैंने और अमित भाई ने भी बैठ के डिसाइड करना है कि हम क्या आगे तावट वाला जा रहे हैं, क्योंकि शारदा से यहाँ का वापसी का सफ़र हमें बहुत थका देगा, और कल जो नूरी टॉप का ट्रैक करना है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो कोशिश करेंगे अगर हम आगे जा भी सके तो हम वो एंड वाले पॉइंट तक नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत देख सकेंगे और उसके बाद हमारी सीधा वापसी। जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ये पुल से बिल्कुल पहले अलजन्नत रेस्टोरेंट है, और जो उनके ओनर हैं बहुत स्वीट बंदे हैं, आपको बड़ा अच्छा गाइड करेंगे तावड़ के लिहाज से। मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये जस्टिफाइड नहीं है इस एरिया के साथ कि बस थोड़ा सा इससे हाथ लगाओ और वापस चले जाओ। एरिया ऐसा है कि आप यहाँ पर आके रहो, एक दिन रहो, लेकिन हमारा स्केड्यूल इतना टाइट है और वीडियोज़ बनानी है, छुट्टियाँ कम हैं, अहमद भाई के बाद भी डेज कम है, वो अपना बिजनेस छोड़ के आए हैं, तो हमें चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। हाँ अगर मैं फुल टाइम व्लॉगर होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 1 या 2 दिन स्टे करता और आगे तक ये इलाका कवर करके आता, अगर मैं फुल टाइम व्लॉगर होता तो। ये जी तावट LOC सामने जाके आएगी, और तावट की जो आखिरी आबादी है वो यहाँ से है, इस साइड से हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है एज यूजुअल, क्योंकि कल करना है नूरी टॉप और हमें 4 घंटे लगेंगे तकरीबन शारदा पहुंचने में वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये 2 किलोमीटर का पैच करने जा रहे हैं फाइनली, पीछे बादल आ गए हैं, और बादल जो कि मुझे पसंद नहीं होते पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूँ कि बारिश मैदानी इलाकों में रहमत है और पहाड़ी इलाकों में जहमत। वो खैर ये तो बहुत ही गंदी है, वापसी पे लग पता जाएगा, इतनी स्टीप तो कोई रत्ती गली पे भी नहीं थी। अल्लाह अकबर। ओ खैर जाते वक्त यहाँ से ज़रा तेज़ी से लेके जाऊँगा ऐसे और ऐसे, चलो भी विज़िट करने के लिए बस ये 2 किलोमीटर का ही एरिया अलाउ है, उसके आगे जाना अलाउ नहीं है। यार कितना खूबसूरत है, बहुत आला।
पॉइंट से हम आगे नहीं जा सकते, आगे LOC आगे जाना नहीं अलाउ भी नहीं है, और ना हम उसकी वीडियो बनाएंगे। बस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था इस एरिया को विज़िट करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज विज़िट कर लिया, कश्मीर कैलाश एरिया आज विज़िट कर लिया। मैं यहाँ पे अब थोड़ी देर बस सुकून के साथ बगैर कोई वीडियो बनाए, बगैर कुछ किए, बस इस एरिया को फील करना चाहूँगा, और उसके बाद हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह शारदा। हलाफिज आमिर और छोटू हलाफिज। ओके हलाफिज। मैं चुप हो गया हूँ क्योंकि ये अलग ही फीलिंग थी, मुझे ये बहुत अलग फीलिंग थी। बाज़ औक़ात इंसान बज़ाहिर तो इस दुनिया में नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो इस मादी दुनिया से कोसों दूर ख्यालात की दुनिया में जा चुका होता है। इस वक्त मैं भी किसी ऐसी जगह पे मौजूद था किसी जगह पे जाके वहाँ मुकामी लोगों से बात करके उनके तौर तरीके जान के आप उस जगह में मज़ीद खो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये कोई आम जगह हरगिज़ नहीं थी। पाकिस्तान इंडिया LOC का आखिरी पॉइंट ताऊबट था, द लास्ट विलेज ताऊबट। इस कश्मीर के सफ़र पे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चलते चलते मैं तस्करा ज़रूरी समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी का। चाहे मौसम खुशगवार हो या सख्त, ये हर लम्हा मौजूद रहते हैं सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए। अक्सर मैं आर्मी के चेक पोस्ट पर रुक जाता हूँ, तस्करा छिड़ उठता है लंबी दास्तानों का। I must say salute to our army. अब बस चलाई जा रहा हूँ, बाइक चलाई जा रहा हूँ, कोई थकावट फील नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही सोच रहा हूँ कि या अल्लाह कितनी खूबसूरत जगह बनाई है तूने मेरे मालिक, और या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इतनी इस्तेदाद दी कि मैं इसे अपनी आंखों से देख सकूँ। गया चलो भी, स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। राजा जी छिक्सो, सबसे पहले कपड़ों का हाल देख लें। सेकंड, अभी मुझे नहीं आइडिया मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। ताऊबट से केल अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे 5 मिनट ताबड़तोड़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बंदे का कोई कमाल नहीं होता, अल्लाह का कमाल है। टाइम शॉर्ट है और हम पहुँचे, सो बस उम्मीद है कि हम आगे 1.5 घंटे के अंदर शारदा भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह, अब आराम से चले जाएंगे। अब वो कोई टेंशन नहीं क्योंकि पिछला वाला पैच बहुत गंदा था। और ये इतना पानी कहाँ से आ गया बे, काफ़ी गहरा। एक्चुअली रात के वक्त पानी का फ्लो स्ट्रीम्स के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, सारा दिन ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और ये पीक टाइम होता है। अभी रात के वक्त राइड करना मेरी मजबूरी बन गया है, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मेरा SOP है कि मैं रात के वक्त राइड नहीं करता। मैं जंगल से गुजर रहा हूँ और रोड बहुत ही नैरो है, ऊपर से पत्थर आया अभी एक,
छोटा सा पत्थर आया अभी ऊपर से एक, तो ये एरिया ठीक नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है और मुझे रहना भी है राइट साइड पे आगे। ये आई लोमड़ी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं, मेरी मेन लाइट को क्या हो गया है यार, मेन लाइट फारिक हो गई है, अदरवाइज़ नज़र आ रही थी। ये नरान साइड तो है नहीं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, कश्मीर में रात के वक्त ट्रैफिक कम ही होती है। अभी काफ़ी देर बाद एक मुझे गाड़ी नज़र आई है और ये है जी बोस। चलो भाई अल्लाह का नाम लेता हूँ और पहुँचते हैं हम शारदा। स्टिल हालत बहुत ही बुरी हुई है, मुझे नहीं आइडिया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बस मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 2 घंटे हैं, मुझे 12 बजे से पहले सोना है, नहाना है, सारा बैकअप लेना है, उसके बाद मुझे सुबह 5 बजे निकलना है नूरी टॉप के लिए। फोक्स मैंने देख ली है, अभी गोप्रो की फुटेज नहीं देखी कि वो कैसे नज़र आ रही है, अगर नज़र आ गई सही तो आप लोगों में भी किस्मत और मेरी भी किस्मत। स्टोरीज़ के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें क्योंकि जो ट्रिप की लाइव स्टोरीज़ होती हैं, लाइव अपडेट होती है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर होती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। चले चले लैपटॉप है।